पंचम नवरात्र के दिन भगवती स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव सेनापति स्कंद को जन्म देने के कारण भगवती स्कंद माता के रूप में सुविख्यात हूँ। भगवती स्कंद माता सिंह पर सवार हैं, उनकी चार भुजाएं हैं जिसमें उन्होंने कृष्ण क्रम से दोनों हाथों में पुष्प और अभय प्रदान करते हुए एक हाथ में जो है देव सेनापति स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय को गोद में उठाया हुआ है। भगवती साक्षात वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। भगवती ने किसी प्रकार का कोई अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं किया हुआ है, वो अपने भक्तों को वर और अभय प्रदान करती हैं। भगवती स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को विशेष रूप से सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। इनके हवन में विशेष रूप से पुत्र जीवक अर्थात जिसको जिया पोता बोलता है उनके हवन में उस सामग्री मिलाकर उसका जो हवन किया जाता है और भगवती को नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, उनका ऋतुफलों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से भगवती स्कंद माता प्रसन्न होकर सुयोग्य संतान प्रदान करती हैं और अपने भक्तों पर अपनी करुणा और अपनी ममता बरसाती हैं और साधकों पर विशेष कृपा करती हैं, उनको जीवन में हर प्रकार की सफलता प्रदान करती हैं।